जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम इसमें देख रहे थे, नेक्स्ट आ जाएगा कंपोनेंट टू में इस चैप्टर के, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ग्रुप का। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। इसमें पीछे भी हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप की इन्होंने बात की है। पहले हम देखते हैं ग्रुप सोशल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, यानी कि सोशल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट फ्रिक्वेंटली एंड शेयर ए कॉमन आइडेंटिटी एंड ए फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सोशल ग्रुप क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु इंटरेक्ट, ठीक है, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं फ्रिक्वेंटली लगातार, और शेयर करते हैं अपनी कॉमन फीलिंग्स जो होती हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एंड फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस, और फीलिंग शो करते हैं जो है इंटरडिपेंडेंस की, एक दूसरे पर डिपेंड होने की, या सेम सेम फीलिंग जो फील करते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे पास एक सोशल ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये सोशल ग्रुप की डेफिनेशन है। इसमें कह रहे हैं कि सोशल ग्रुप जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक जो है प्राइमरी प्राइमरी ग्रुप होता है, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप होता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में क्या है हमारे पास, प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये आप देख लें। जनरली स्मॉल होता है, ठीक है, कोई भी सोशल ग्रुप जब प्राइमरी होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, 2 to 3 या 5 पीपल तक जो होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, इनके दरमियान क्या है, जो इंट्रैक्शन होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, वो रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा टाइम पीरियड की होती है। ठीक है, इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं, आपस में इंटीमेट होते हैं, यानी फिजिकली फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे हैं या खड़े होते हैं, और ये कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी क्या है, प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक है। द फोर्थ वन इज़ सम इमोशनल डेप्थ टू रिलेशनशिप, ठीक है, इनमें क्या होता है, इमोशनल जो पार्ट होता है, जो गुफ्तगू का, इंटरेक्शन का, कम्युनिकेशन का, उसकी जो डेप्थ होती है रिलेशनशिप में, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इमोशनली जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एंड द लास्ट वन इज़ कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली। जी बिल्कुल, ये प्राइमरी ग्रुप जो है कि आपस में कॉपरेट कर रहा होता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, और ये क्या होते हैं, आपस में फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे होते हैं, फ्रेंडली बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकेंडरी ग्रुप में, कि सेकेंडरी ग्रुप में ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यूजुअली लार्ज, ठीक है, ये नंबर जो है इसके ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, ऑफन टेम्पोरेरी, ठीक है, इनका क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और बाज़ का अक्सर जो है कि टेम्परेरी सेशन होते हैं इनके, ठीक है, वक्ती तौर पर होते हैं। ठीक है, जबकि प्राइमरी में तो लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटरेक्शन होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, शॉर्ट इंटरेक्शन होती है, थोड़ी टाइम के लिए होती है, और जो है वो देर पा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिटल सोशल इंटीमेसी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इनमें जो सोशल इंटीमेसी है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्या है, थोड़ी होती है। ठीक है, ये वक्ती तौर पे मिलते हैं, वो वक्ती तौर पे इंटरेक्शन की होती है, और ये आपस में जो इंटीमेसी लेवल और जो इनकी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा होता है। रिलेशनशिप जनरली सुपरफिशियल, ठीक है, इनके जो रिलेशनशिप होते हैं आपस में वो सुपरफिशियल होते हैं। ठीक है, यानी वो वक्ती तौर पर होते हैं, या मकसद, किसी मकसद के तहत होते हैं। ठीक है, उसमें कोई म्यूचुअली इंटरेस्ट या इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती, वो सुपरफिशियल होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है कि मोर फॉर्मल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, ये कहते हैं फॉर्मल होते हैं, प्राइमरी ग्रुप में तो इनफॉर्मल डिस्कशन है, ये फॉर्मल होते हैं। ठीक है, और इम्पर्सनल होते हैं, यानी ये अपनी पर्सनल डिस्कशन नहीं करते हैं, ये जो है दूसरी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अपने मतलब की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी ग्रुप हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सोशल ग्रुप कैन बी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या हो सकते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या सोशल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ये दोनों सोशल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए हाईली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग सर्टेन टास्क और अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है, ठीक है, जो जिसका मकसद होता है सर्टेन
सर्टेन और स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना और स्पेसिफिक गोल्स को कंप्लीट करना, ठीक है। ये फॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जांपल, एक जो सेटिंग होती है स्कूल कॉलेज या ठीक है क्लासरूम की, वो क्या है, एक फॉर्मल सेटिंग है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, टीचर का मकसद है अपना नॉलेज डिलीवर करना और स्टूडेंट्स का मकसद क्या है, उसको गेन करना है एक फॉर्मल सेटिंग में। उनके गोल भी सेट हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक टास्क जो हैं उनके वो भी सेट हैं थ्रू ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सोशल ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें वो कह रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एक सोशल ग्रुप हो सकता है। किस तरह से? सोशल इंस्टीट्यूशन इज ए सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स एंड रूल्स दैट एस्टैब्लिशेस हु ए सोसाइटी विल अटेम्प्ट टू मीट इट्स बेसिक सोशल नीड्स, ठीक है। कह रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो भी है वो सेट होता है ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स और रूल्स उसमें होते हैं, ठीक है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन का है, दैट एस्टैब्लिशेस हाउ ए सोसाइटी विल अटेम्प्ट टू मीट हिज बेसिक सोशल नीड्स। सोशल इंस्टीट्यूशन का मकसद ये है कि उसकी बेसिस पे है कि जो बेसिक सोशल नीड्स हैं ह्यूमन बींग्स की, उनको वो पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लें कंपोनेंट थ्री है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये एग्जाम्पलीफाई इन्होंने किया है इसमें कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकॉनमी है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट है, ये भी क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैथ्स मीडिया है, स्पोर्ट्स, साइंस, मिलिट्री, मिलिट्री का जो डिपार्टमेंट है आर्मी होती है, ठीक है, ये क्या सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं जो किसी भी सोसाइटी को लेके चलते हैं या उसमें वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो किस तरह से देखें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल जो उसने लिखी हुई है वो क्या है, यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च की उसने एग्जाम्पल दी है, बैंक ऑफ अमेरिका की, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की, गुडविल, CNN, ठीक है। इसमें आप अपने एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं फॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का आप लिख सकते हैं, अपने रिलेटेड बैंक्स का लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी फॉर्मल तरीके से जो है काम करती हैं, स्पेसिफिक टास्क होते हैं, फॉर्मल क्राइटेरिया जो है वो अपना के चलती हैं। जी नेक्स्ट इसमें उसने वही एग्जांपल दी हुई है जो प्रीवियस पीछे भी मैं आपको डायग्राम समझा चुका हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स दी हुई है उसने डायग्राम की। इसमें वो क्या कह रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन स्टेटसिस एंड रोल्स एंड सोशल ग्रुप्स फॉर्म एंड इंटर रिलेटेड होल ऑफ व्हाट सोशियोलॉजिस्ट कॉल द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारा जो हमने रोल्स इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर और सोशल ग्रुप्स जो पढ़े हैं इस मैट्रिक्स में, ये सब जब आपस में एज अ होल बनते हैं तो उसे जो सोशियोलॉजिस्ट कहें एक सोशल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल वो दे रहा है कि फैमिली प्रोवाइड्स अ स्टेबल स्ट्रक्चर टू रेज चिल्ड्रन, कह रहा है कि एक फैमिली है जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अपने बच्चों को जो है वो बड़ा करती है, ठीक है, एक घर का, एक फैमिली का निज़ाम पैदा करती है, एंड ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर इट्स मेम्बर, ठीक है, और एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी शो करती है, ठीक है, कि जो है फादर है, ये मदर है, ठीक है, इस तरह से क्या है सेंस ऑफ आइडेंटिटी पैदा करती है मेंबर्स के अंदर। इट मे कंसिस्ट ऑफ ए मदर हु कुक्स एंड पेन, कह रहे हैं कि एक घर में क्या है, फैमिली में क्या, एक मदर होती है जो क्या करती है, खाना पकाती है और जो है वो सफाई सुथराई के दूसरे काम काज हैं वो परफॉर्म करती है। व्हाट कॉन्सेप्ट डू द हाईलाइटेड वर्ड इन एग्जांपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, अब वो कह रहे हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंस को शो कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस एक दूसरे से आपस में मिलाप है, ठीक है, जैसे कि एक मदर है उसका काम क्या है, खाना भी पकाती है, सफाई सुथराई का काम भी करती है, और वो क्या करती है, और वो अपने बच्चों को क्या करती है, पालती पोसती भी, इस तरह क्या है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग काम है, ठीक है, एक काम उसका महसूस नहीं है। इसमें नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है डरहाइम्स टिपोलॉजी ऑफ सोशल सॉरिटी, इमाइल डरहाइम, मैं पहले भी आपको जब हम थेरीज पढ़े थे उसमें मैं आपको नाम पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, थेरिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, इसने क्या किया इसकी सोशल सॉलिडेरिटी पे जो थ्योरी है वो क्या है वो हम देखते हैं। सोशल सॉलिडेरिटी इज बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। सोशल सॉलिडेरिटी को आप लफ्जी तौर पे आसान लफ्जों में आप इस तरह समझेंगे कि इंडिविजुअल जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या करती है, सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि सोशल सॉलिडेरिटी इज बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल स्ट्रक्चर का तो आपको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। कह रहे हैं कि सोशल
सॉलिडरिटी है वो बेस कर रही है डिवीजन ऑफ लेबर पे, ठीक है, कि जिस हिसाब से जो है सॉलिडरिटी होगी उसी तरह से लेबर की डिवीजन भी होगी, उसी तरह से जो है सोसाइटी के दूसरे जो है वो काम भी होंगे। अब कह रहे हैं कि मकैन इसमें भी जो है सोशल सॉलिडरिटी की क्या है, दो किस्म की एग्जाम्पल में सॉलिडरिटी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं अक्सर के जो नेशन सॉलिडरिटी है, ठीक है, यानी हम आहंगी है मिलाप है, ठीक है। अब इसकी से आगे से एग्जाम्पल्स क्या हैं, सोशल सॉलिडरिटी की दो एग्जाम्पल्स हैं मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, ठीक है। मैकेनिकल क्या है, पीपल आर यूनाइटेड बाय ट्रेडिशंस एंड शेयर्ड वैल्यूज, ठीक हो गया। मैकेनिकल सॉलिडरिटी को कैसे डिफाइन कर रहा है डरहाइम, वो कह रहे हैं कि जब लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल होंगे पुराने वक्तों के जो तो इतवार लोगों के हैं, ठीक है, वो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये कि मैकेनिकल सॉलिडरिटी होगी। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, विलेजेस की एग्जांपल दे सकते हैं, पीपल ऑफ विलेजर्स आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल सॉलिडरिटी बिकॉज दे शेयर्ड मोर वैल्यूज विद ईच अदर एंड ट्रेडिशनली मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या कह रहे हैं, पीपल्स आर यूनाइटेड बाय म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन वन एंड अदर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसको बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल अपोजिट है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, जो लोग हैं वो क्या है यूनाइटेड बाय म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑन एन अदर, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, मतलब के लिए, ठीक है, उनके दरमियान कोई ट्रेडिशनल और शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं है, वो क्या करते हैं सिर्फ काम पढ़ने पे जब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तब वो क्या करते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर का वो क्या है, टोनिस का। टोनिस जो है वो थेरिस्ट है जिसका नाम है, इसने जो आगे कॉन्सेप्ट दिए हैं दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, जेमिन शॉफ्ट एंड गेजल शॉफ्ट। इसी तरह आपने स्पेलिंग भी इसकी अच्छी तरह से तैयार करनी है, ठीक है, जेमिन शॉफ्ट और गेजल शॉफ्ट, जिसके दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, सोशोलॉजी में, सोशल इंटरेक्शंस में। टोनिस जो है वो उसका नाम है इसका, सोशोलॉजिस्ट का। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशोलॉजिस्ट फर्डिनैंड टोनिस, जिसका कंप्लीट नाम है फर्डिनैंड टोनिस, 1855 से लेके 1936 तक, ये इसका टाइम पीरियड है इसकी पैदाइश का और इसकी डेथ का, ठीक है, यूज़ द टर्म जेमिन शॉफ्ट एंड गेजल शॉफ्ट टू करेक्टराइज द डिग्री ऑफ सोशल सॉलिडरिटी एंड सोशल कंट्रोल फाउंड इन सोसाइटीज, ठीक है। कह रहे हैं कि उसने सोशल सॉलिडरिटी, सोशल हमांगी और सोशल कंट्रोल की जो है वो सोसाइटीज़ में जाकर उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए एक पैमाने दो ईजाद किए, कौन से, गेजल शॉफ्ट और जेमिन शॉफ्ट, ठीक है। हम देखते हैं कि गेजल शॉफ्ट और जेमिन शॉफ्ट क्या है, ठीक है, इनमें क्या है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इसने ये टर्म्स यूज़ किए। जेमिन शॉफ्ट में कह रहे हैं कि जेमिन शॉफ्ट सोसाइटीज़ आर बाउंड बाय किनशिप एंड स्ट्रॉन्ग टाइज टू कम्युनिटी। कह रहे हैं कि जेमिन शॉफ्ट सोसाइटीज़ जो हमने नाम दी है ये क्या है, इसमें किनशिप रिश्तेदारी का निज़ाम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बाउंडेड है, और ये कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांगली जो है एम्बेडेड है, ठीक है, और ये इसमें जो है सॉलिडरिटी भी ज़्यादा हुई जा रहा है, जो किनशिप रिश्तेदारी का आपस में हम आगे का निज़ाम होगा वो क्या है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, उसको उसने जेमिन शॉफ्ट का नाम दिया है। वाइल गेजल शॉफ्ट आर बेस्ड ऑन इम्पर्सनल एंड स्पेशलाइज रिलेशनशिप, गेजल शॉफ्ट को उसने क्या कहा है कि जब इम्पर्सनल जो है, ठीक है, जो है काम पढ़ने पर स्पेशलाइज जो है वो फॉर्मल किस्म के जब बिहेवियर होंगे रिलेशनशिप होंगे उसको उसने गेजल शॉफ्ट का नाम दिया, ठीक हो गया। इसमें मज़ीद वो डिफ़ाइन कर रहा है इनकी जो है वो इसने तो बाइबल के थ्रू भी कॉन्सेप्ट उसने दिए हैं ना, क्योंकि ये था क्रिश्चियन था, तो इसमें हम जो है सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, आपने जेमिन शॉफ्ट और गेजल शॉफ्ट की सिर्फ डेफिनेशन इस पेज पे से देखनी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जेमिन शॉफ्ट की क्या डेफिनेशन है, टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच पीपल आर बाउंड क्लोजली टुगेदर बाय किनशिप एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, ए जर्मन वर्ड मीनिंग, ये जर्मन वर्ड है दोनों ही, जेमिन शॉफ्ट और गेजल शॉफ्ट, मीनिंग कम्युनिटी एंड यूज टू डिस्क्राइब द इंटीमेसी ऑफ लाइफ इन स्मॉल विलेजेस। वही मैंने कहा कि इसमें विलेजेस की एग्जाम्पल दी है, ठीक है, कि विलेजेस के लोग हैं वो ज़्यादा शेयर्ड वैल्यूज़
करते हैं आपस में, ज़्यादा एक दूसरे का एहसास करते हैं और उन्हें हम मांगी और सोशल सॉलिडरिटी ज़्यादा होती है। जबकि एक टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीपल कम टुगेदर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, वो तभी इंटरेक्ट करते हैं जब उनका आपस में कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जर्मन वर्ड मीनिंग सोसाइटी आर एसोसिएटेड यूज टू डिस्क्राइब देम पर्सनैलिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़। इसमें जो एग्जाम्पल दे रहे हैं सिटीज़ की जो लाइफ है, जब वो, क्योंकि सिटीज़ की लाइफ आपको पता है विलेजेस की लाइफ डिफरेंट होती है, जब उनको कोई काम होता है, कोई इंटरेस्ट होता है, तो तब ही वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो सॉलिडेरिटी होती है, जो हमदर्दी होती है, वो भी कम होती है। ये नीचे वाले दो कंसेप्ट आप रहने थे जी। इसमें नेक्स्ट है जी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है जी। द प्रोसेस बाय विच आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज लार्जली शेप्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी मीनिंग देन वी गिवन टू ए एक्सपीरियंस। कह रहे कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, कि ये जो सोसाइटी ही है, ये रियलिटी को, सच्चाई को क्या करती है, जन्म देती है, तो ही जो दूसरे लोग हैं उसको मानते हैं कि यही सच्चाई, यही बात ठीक है। कह रहे कि ये प्रोसेस है बाय विच अवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जिसके थ्रू हमारी जो रियलिटी की परसेप्शन है, इज़ लार्जली शेप बाय सब्जेक्टिव मीनिंग डैट वी गिवन टू एन एक्सपीरियंस, ठीक है। कह रहे हैं कि जब हम किसी एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जब उनको सोसाइटी को मीनिंग देना शुरू करती है अपनी परसेप्शन के थ्रू, और वो जब सोसाइटी लार्जली उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है उस कंसेप्ट को, रियलिटी के कंसेप्ट को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जिसकी डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं दिस मीनिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस व्हाट वी सी एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, ठीक है। कह रहे हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सिचुएशन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं ना कि यही चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है, फिर हम सोसाइटी के दूसरे एक्सपीरियंसेस और जो भी एक्सपेक्ट होते हैं, हम उसी के फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखते हैं कि हाँ जी ये चीज़ रियलिटी बेस्ड है और ये चीज़ रियलिटी बेस्ड नहीं है। इफ़ मैन डिफाइन सिचुएशन एज रियल, दे आर रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, मजीद उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि वी एनालाइज द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी फाइंड आउट अवर सेल्फ, डिटरमाइन विद अवर बेस्ट इंटरेस्ट एंड एडजस्ट अवर एटीट्यूड। वही बात वो कह रहे हैं कि हम अपने जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जब हम एक फ्रेमवर्क में दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो हम उसी चीज़ को उसी तरह ऑब्जर्व करते हैं जो कि सोशल रियलिटी हमने एक बना ली होती है या हमारी सोसाइटी ने सेट कर दी होती है, उससे बाहर जो चीज़ें होती हैं उसको हम नहीं काउंट करते, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है, ए फॉल्स बिलीफ और प्रोडिक्शन डेट प्रोड्यूस बिहेवियर डेट मेक द ओरिजिनल फॉल्स बिलीव कम्स ट्रू, ठीक है। कह रहे हैं कि एक गलत परसेप्शन लोगों ने जो बना ली होती है सोसाइटी में, जिसे वो, क्योंकि वो लोग ही कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल रियलिटी, आइदर वो अगर गलत भी होती है तो क्या करते हैं, उसी पे बिलीव करते हैं, होती वो गलत ही है लेकिन वो मानते हैं कि जी ये हमारी, ये इस फ्रेमवर्क के अंदर जो चीज़ रहेगी वो ठीक है, जो इससे बाहर निकलेगी वो गलत होगी। हालांकि वो ठीक भी हो तो वो उसे क्या करते हैं, गलत तसव्वुर करते हैं, वो सेल्फली उसको क्या करते हैं, डिवेल्प कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। इसमें अब एग्जाम्पल हैं, इसमें आप अपनी जो है डेली लाइफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई भी, ठीक हो गया जी। इसमें नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, गुफमैन ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस, ठीक है। ये गुफमैन जो है ये सोशियोलॉजिस्ट है, इसकी ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस है, ठीक है। इसका क्या एनालिसिस है, ये नाम है इसके एनालिसिस का, कह रहे द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन डैट कम्पेयर्स एवरी डे लाइफ टू थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन। कह रहे कि जब हम सोशल इंटरेक्शन को कंपेयर करते हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज से, तो उसको क्या करते हैं, हम थ्रेटिकली जब उसको ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिफिकली ऑब्जर्व करते हैं, वी एंगेज इन ड्रामा ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, उस चीज़ को क्या कह रहे हैं, एक ड्रामा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसने इसको क्या है, ड्रामेटिकल एनालिसिस, क्या कह रहे हैं कि डेली लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं इंसान की और डेली लाइफ जो इंटरेक्शन हैं, उसको क्या नाम दे रहे हैं, एक ड्रामे का नाम दे रहे हैं कि वो डेली लाइफ ड्रामा है, ठीक है। मेम्बर्स ऑफ अवर ऑडियंस जज अस एंड आर अवेयर दैट वी मे स्लिप एंड रिवील अवर ट्रू कैरेक्टर। कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी में अपनी डेली लाइफ में, और जो दूसरे लोग क्या हैं, वो जज हैं, ठीक है, वो ऑडियंस हैं जो हमें देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि किसी भी वक्त ये इंसान स्लिप हो जाएगा और अपने असल करदार से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये तो एक्टिंग कर रहे हैं,
हम क्या कह रहे हैं, एक ड्रामाटोजिकल अप्रोच में हर इंसान क्या कह रहा है, डेली लाइफ उसकी क्या है, एक ड्रामा है, ठीक है, और दूसरे लोग हैं उसके दिल के हैं, उसके ऑडियंस हैं जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये अपनी असल करेक्टर में आएगा और एक्टिंग छोड़ के बाहर आएगा, ठीक है। ये उसने इंट्रैक्शन की एक थ्योरी दी है, एनालिसिस दी है। इसमें वो नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट की और फेस सेविंग बिहेवियर की। कह रहे कि इसमें दो तरह के जो है बिहेवियर होते हैं इंसान के ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच में। एक इंप्रेशन मैनेजमेंट, कि एक इंसान जो है वो अपना इंप्रेशन सेट करते हैं दूसरे इंसान पर, ठीक है। पीपल एफर्ट टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ वे दैट आर फेवरेबल टू देयर ओन इंटरेस्ट एंड इमेज, ठीक है। वो दूसरों पे अपने फ़ायदे के लिए जो इंप्रेशन दूसरों पे वो डालते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी इंप्रेशन मैनेजमेंट होती है। फेस सेविंग क्या है, स्ट्रेटजीज टू रेस्क्यू अवर परफॉर्मेंस व्हेन वी एक्सपीरियंस ए पोटेंशियल और एक्चुअल लॉस ऑफ फेस। कह रहे हैं कि जब इंसान को डर होता है कि वो कुछ खो देगा या कुछ कुछ उसको नुकसान हो जाएगा अगर वो स्पेसिफिकली बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर वो क्या करता है, फेस सेविंग करता है, एक्टिंग करता है, ठीक है। यानी रियलिटी कुछ और होती है और वो शो किस कुछ और तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, फेस सेविंग बिहेवियर शो कर रहा होता है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको भी आप तैयार करें, इससे सारी जो नोट्स हैं वो देखें। तो नेक्स्ट ये क्लास होगी, हम इसमें इन चीज़ों सारों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।